मैनपुरी से खबर है, बस और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर हालत में कुछ लोगों को सफाई रेफर किया गया है। घिरोर थाना क्षेत्र के घिरोर पुरावली मार्ग पर हुई ये घटना, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राहत बचाव का काम जारी है इस वक्त भी। बड़ी खबर इस वक्त आपको मैनपुरी से बता रहे, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर देखी गई। उन लोगों को सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तस्वीर देखिए, बस और कार में टक्कर हुई तो बस रोड से नीचे उतर गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, ये कार की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टक्कर कितनी भयानक थी। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस सड़क हादसे में। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर लोगों को सफाई रेफर किया गया। कृष्णकांत जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी कृष्णकांत, आखिर वजह क्या रही इस सड़क हादसे की? क्या कोहरा था या फिर किसी की कोई गलती? जी, ये कोहरे की वजह से हादसा नहीं हुआ है, ये ओवरटेकिंग के चलते जो है हादसा हुआ है। एक बस और एक कार में जो जोरदार भिड़ंत हुई, अचानक बस पुलिया से नीचे उतर गई। बस वाले ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन टीवी कार उससे टकरा गई, जिससे 10 से अधिक लोग, लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को पास के ही CST अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है कृष्णकांत, जिन्हें सफाई रेफर किया गया, उनकी संख्या कितनी है और स्थिति क्या है? अभी चूंकि ये तत्कालिक मामला है, प्रशासनिक लोग बोलने को कुछ तैयार नहीं है कि कितने लोग गंभीर हैं कितने नहीं। अनुमानित ये बताया है कि लगभग 11-12 लोग जो है घायल हैं, और जिसमें से 4 लोगों को सफाई के लिए रेफर किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णकांत आपका इस जानकारी के लिए।